हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, जितने लोग भी हैं। ठीक है, मैंने आपको तीन प्रोजेक्ट के नाम याद करने के लिए बोला था, साथ ही में उनकी स्टार्टिंग डेट। ठीक है, अभय सोलंकी का होमवर्क मुझे दिखाई भी दे रहा है, पहले से कंप्लीट भी आज अभय जी का। टाइगर 1973, एलिफेंट 1992 और राइनो 2005। चलो, राइनो में कुछ डाउट है मुझे, देखते हैं। बाकी बच्चों का एलिफेंट एक 1930 ना, गलत गलत गलत। अशोक राव जी गलत बेटा, क्या तेरे घर से थोड़ी चालू कर दिया तूने एलिफेंट एक्ट? तैयारी करके नहीं आया है, चेटिंग कर रहा है यहाँ पर? ऐसा नहीं कि कुछ सही चीज़ है। प्रखर जी, टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च्ड इन 1973, राइनो प्रोटेक्शन एक्ट वाज लॉन्च्ड इन 2005। ठीक है, एलिफेंट वाला नहीं दिया। भूमिका जी, अभी जी, ठीक है। उसके अलावा बेटा, जितना पूछा गया उतना ही जवाब दो, ज़्यादा अच्छी बात है। अभी जी, ज़रूरत से ज़्यादा जो जानकारी होती है ना, वो कभी कभी नुकसानदायक भी होती है। ठीक है, ठीक है, तीनों एकदम सही है, भूमिका का भी सही है। ओके रोनी, तूने यहीं से कॉपी कराया मेरे हिसाब से, इन लोगों ने होमवर्क सबमिट किया तूने वहीं से उठा लिया। डाउट है बेटा तुझ पे? अशोक राव, होमवर्क सबमिट करो। अबे सोलंकी का एकदम करेक्ट है। लाइफ बिगिंस विद द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो बेटा सबको पता है, सबको पता है। कौन सा नया नॉलेज बांट रहा है तू? कुछ ऐसी बात कर कि जो संदीप माहेश्वरी ने नहीं करी हो, विवेक बिंद्रा ने नहीं कही हो। ठीक है ओजस्वी जी, देखो मैं मालूम ना, अशोक राव का और ये है ना, राइनो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है। 1986 और 2005 दो अलग अलग डेट बताई जा रही है यहाँ पर। एक बार सभी लोग क्लियर करो इसको। राइनो में डाउट है मुझे, राइनो में डाउट है, क्योंकि सभी लोगों की डेट अलग अलग है और जो मुझे डेट याद है वो डेट कोई बता नहीं रहा है। कोई 2011 बता रहा है, कोई 2005 बता रहा है। देखो इसको सभी लोग एक बार करेक्शन करो इसमें। नेशनल पार्क इन इंडिया 103 एंड सेंचुरीज आई 544, एकदम सही। ठीक है, हाउ मेनी नेशनल पार्क आर देयर इन इंडिया? 103। ठीक है, 104 तक का मुझे पता था, कोई बात नहीं। 103 है तो 544 ये भी सही मान सकते हैं हम। देखिए, जे जे नंदन ने दिए 104। ठीक है, बिंदु कुशवा 2005 राइनो बता रही है। वैष्णवी गुप्ता जी क्या कह रही है? सर दिस इज माय होल होमवर्क, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 प्रोजेक्ट राइनो, 2005 प्रोजेक्ट एलिफेंट, 1992 टाइगर प्रोटेक्शन, 1972 ठीक है राइनो प्रोटेक्शन इन मार्च 2014, एलिफेंट प्रोटेक्शन 1972। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी है। ठीक है, तो टाइगर प्रोटेक्शन जो है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट राइनो 2005 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज शेल्वी सागर जी बता रही हैं 566 और नेशनल पार्क बता रही 101। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें, शेल्वी जी करेक्ट करिए इसको, है ना। एक ऑफिशियल वेबसाइट से निकालिए, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से थोड़ी सी जानकारी आपकी। 104 नेशनल पार्क आएंगे और जो सेंचुरीज हैं वो 544 के ऊपर हैं। वैष्णवी गुप्ता जी ठीक है, कणिका अग्रवाल जी, निशांत, समृद्धि अग्रवाल, क्या बात है। आज जो सभी लोगों ने होमवर्क किया है यार, मतलब सभी लोगों ने लगभग लगभग किया है, क्या बात है। ठीक है, अर्णव कुशवा जी ने भी दिखाया। आर्य आर्यजीत आनंद, ओके आर्यजीत, चलिए। हाँ राइनो में डाउट मुझे भी है यार, ये उप्स हिंदुस्तान तेरा नाम फिर भूल गया मैं, शायद शोर है ना, तो इसमें डाउट मुझे भी है, पर क्या कर सकते हैं। 2005 है कि 2011 है कि 2014 है, क्योंकि उसको बार बार इंप्लीमेंट किया गया है। तो वैसे तो उसका स्टार्टिंग डेट 1989 है, पर उसके बाद में सरकार ने 2005 में उसको व्यवस्थित तरीके से लागू किया था, तो 2005 हम मानकर चल सकते हैं, 2005 एकदम सही डेट रहेगी। चलिए क्या बात है, सभी लोगों ने होमवर्क किया है आज। और नेशनल पार्क और जो सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसमें क्या है? ठीक है, 2011 मिला तो प्रज्ञा जी, 2011 और 2014 में इसको वापस इंप्लीमेंट किया गया था। सरकार समय समय पे क्या है, नीतियों में थोड़ा बहुत बदलाव करती रहती है, तो उस कारण भी थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब जैसे अशोक राव टाइगर एक्ट 2006 बता रहा है ना, राइनो एक्ट 1986 बता रहा है, एलिफेंट एक्ट 1972, क्या बात है अशोक, क्या बात है, क्या बात है ना। तेरा तो बेटा है ना, जीनियस बुक वाले जो होते हैं ना, गिनीज बुक वाले, वो उठा के ले जाएंगे तुझे जीनियस के नाम से, यार यही जीनियस है इंडिया में। वो सब डेट उल्टी सीधी कर दी तूने। चलिए अब
जितने भी लोगों ने होमवर्क सबमिट किया है, थैंक यू वेरी वेरी मच सभी लोगों को। आप एक बार यहाँ पर कमेंट सेक्शन में देख के अपना जो भी होमवर्क है वो इसको करेक्शन कर लीजिएगा उसमें। हाँ, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था 104 और 544 थे, तो बढ़ भी सकते हैं क्योंकि तीन तो मध्य प्रदेश में ही प्रस्तावित है। मैं अपने इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट ने तीन नेशनल पार्क पहले से डिसाइड कर रखे हैं कि ये लॉन्च होंगे, कोरोना की वजह से वो स्टार्ट नहीं हो सके, तो इनकी संख्या क्या बढ़ती रहती है। पर हाँ, 104 और 544 से कम नहीं होगी, ठीक है, आगे बढ़ेगी। हाँ, अनुकृता रंजन मिश्रा जी, आपका होमवर्क नहीं दिखा मुझे बालिका, आपने होमवर्क नहीं किया है, ठीक, कोई बात नहीं, होमवर्क करने में आप ऐसे भी विश्वास नहीं रखते हैं। शायद मेरे हिसाब से आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। ज़्यादातर शहरों में और राज्यों में आज लॉकडाउन भी खत्म हो गया है, कुछ ही राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन चल रहा है। यहां तक हमने पढ़ लिया था, राइनो एंड डियर इन काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक, काजीरंगा नेशनल पार्क गए हो कभी? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो किसी भी नेशनल पार्क को विजिट करके आए हो, कमेंट सेक्शन में डालिए। कितने लोग ऐसे हैं जो नेशनल पार्क घूम के आ चुके हैं, तो एक बार कमेंट में डालिए कि हाँ सर, हमने विजिट किया है नेशनल पार्क, और कौन सा नेशनल पार्क विजिट किया है ये भी एक बार बताइए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में डालिए, क्योंकि नेशनल पार्क से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो अगर आप नेशनल पार्क विजिट किए हो तो फिर आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन विजिटेड टू नेशनल पार्क, जस्ट से यस और नो, एंड अगर आपने विजिट किया है, यस है, तो फिर आप जगह का नाम बताइए, कौन सा नेशनल पार्क आपने विजिट किया है। हेलो हेलो, ठीक है, आवाज़ आ रही है? ठीक है, नेशनल पार्क का पूछ रहा हूँ जय नंदल जी, जू का नहीं बेटा, नेशनल पार्क और जू में जमीन आसमान का अंतर है। राला मंडल नेशनल पार्क नहीं है रोनी बेटा, तू इंदौर के आसपास का ही, मतलब राला मंडल की पहाड़ियों पर भटक रहा है, ठीक है। चले यार, कुछ ही लोग हैं जिन्होंने नेशनल पार्क नहीं, पास का पार्क है। भूमिका शर्मा जी, पास के पार्क में ना जानवर नहीं दिखाई देते हैं, गुटरगु करते हुए प्रेमी जोड़े दिखाई देते हैं, वहाँ नहीं जाना, वहाँ गलती से भी मत जाइएगा, वरना पढ़ाई करते करते आप डाइवर्ट हो जाएंगे। तो अपने को पार्क में नहीं जाना है, ठीक है, हमको जाना है नेशनल पार्क में। और अगर आप MP के रहने वाले हैं तो भोपाल नेशनल पार्क तो गए ही गए होंगे, कान्हा गए होंगे, गिर गए होंगे, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बच्चों को ले जाया जाता है स्कूल की तरफ से। अगर नहीं ले गए, हम खेत के जंगल विजिट किए हैं, ठीक है। तो प्रियांशु कुमार जी, खेत के जंगल विजिट किए हैं तो वहाँ पर आपको टाइगर वाइगर तो दिखाई नहीं दिया होगा, बफेलो दिखाई दिया होगा, ठीक है। अब भैंसे के बारे में तो पूछा नहीं गया कि इसको कब प्रोटेक्ट करना है। तो आप में ज़्यादातर लोग मुझे लगता है कि नेशनल पार्क विजिट किए नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, नेशनल पार्क विजिट नहीं किए गए हैं तो नेशनल पार्क के बारे में आपको जानकारी दूंगा, ठीक, उसके बाद में आप घूम के आइएगा लॉकडाउन के बाद में। अब यहाँ पर है कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन राजस्थान, एंड मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम, पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला आर सम ऑफ द टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ नेशनल पार्क के आपको नाम बताए गए हैं, वैसे तो ये पुराने हैं, अब तो बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जहाँ पर टाइगर को रिजर्व किया जाता है। तो नेशनल पार्क में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक एनिमल को रिजर्व किया जाता है, वहाँ पर स्पेशल उन पर ध्यान दिया जाता है। कुछ नेशनल पार्क ऐसे हैं जहाँ पर टाइगर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर राइना को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर एलिफेंट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और कुछ ऐसे नेशनल पार्क भी है जहाँ पर टाइगर एलिफेंट राइनो को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और कुछ ऐसे भी जहाँ पर बहुत सारे जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो नेशनल पार्क क्या होता है, अब आप लोगों ने विजिट तो किया नहीं, तो नेशनल पार्क एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पर जंगल तो होते ही होते हैं, साथ ही में जानवर होते हैं। वहाँ पर अगर आपको घूमने जाना हो तो आप टिकट लेकर जा सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, उस टाइम में ही आपको घूमना रहता है, उसके बाद में आपको बाहर आना रहता है, फेंसिंग रहती है, बराबर रोड बने हुए रहते हैं, और उसी में जंगलों को इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि जानवरों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। बड़े बड़े नेशनल पार्क है जहां पर आप दिन भर घूमते रहेंगे तो भी आपको जंगल का किनारा देखने को नहीं मिलेगा, कान्हा केसली एक उनमें से एक है, उसके अलावा गिर, मतलब बड़े बड़े नेशनल पार्क है जहां पर खासकर जानवरों को ही रखा जाता है। कुछ लोग होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जो जानवरों की देखभाल करते हैं, अब इनके लिए जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट देती है, और जो लोग विजिट करने जाते हैं उनसे टिकट लिया जाता है, कहीं पर 500 रुपये, कहीं पर 1000, कहीं पर 2000 रुपये तक लिए जाते हैं। बहुत
बार तो फिल्मों की शूटिंग भी होती है, जैसे काल मूवी की शूटिंग हुई थी है ना, इस काल काल में हम तुम करे धमाल गाना था, उसमें अजय देवगन की और विवेक ओबराय और एक और कोई सा एक्टर था, ठीक है। तो विवेक ओबराय का हालांकि करियर खत्म कर दिया सलमान खान ने, सलमान खान ने ना जाने कितने लोगों का करियर खत्म कर दिया है, मतलब बॉलीवुड का गुंडा कहा जाता है उनको, और बात सही भी है कि इतने दबंगई से नहीं काम किया जा सकता, विवेक ओबराय अच्छा एक्टर था। चलो आगे बढ़ते हैं, तो नेशनल पार्क में शूटिंग होती है तो उसमें भी पैसा मिलता है। अभी थोड़े दिन पहले एक और कोई सी मूवी की शूटिंग हुई थी, तो नेशनल पार्क ये कह सकते हैं, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट कह सकते हैं आप इसको, या फिर एक ऐसा फॉरेस्टेड एरिया कह सकते हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल सिस्टम जनरेट किया जाता है। तो नेशनल पार्क जब आप घूमेंगे ना तो आपको जानवर पास से होते हुए गुजरेंगे, आपको लगेगा कि अरे मेरे ऊपर हमला ना कर दे, पर वो आपकी केयर ही नहीं करते, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि आपको घुमाने के लिए गाड़ियाँ होती अलग तरह की। उसके अलावा जंगल इतने घने होते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही घने जंगलों में आ गए हो, पर वो जो जंगल होते हैं वो सरकार के द्वारा बनाए रहते हैं और उसमें आसपास फेंसिंग होती है, बगैर परमिशन है कोई नहीं जा सकता, और वो ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर जीव जंतुओं के साथ में इंसान का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो कभी अगर आपको समय मिले तो एक बार विजिट करिएगा, ठीक है। हाँ, सलमान भाई, सलमान भाई यूँ ही नहीं कहा जाता है ना, सलमान खान समझ लीजिए आप, अरिजीत सिंह ले से किससे लेकर विवेक ओबराय तक, वो तो अभिषेक बच्चन बच गए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, अभी हम नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, शेल्वी गई है, शेल्वी बोल रही है कि हाँ उसने विजिट किया है चितवन नेशनल पार्क। वैष्णवी गुप्ता भी गई है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में गई। कॉर्बेट तो अपने इंडिया का सबसे पुराना है भैया, बहुत अच्छी बात है अगर वहाँ गए हो तो, है ना। तो ये स्टडी अड्डा वाले बच्चे गए हैं काफ़ी जगह, क्रिश गर्ग कह रहे हैं कुछ, है ना। दिव्यांशु तो ना जाने कहाँ कहाँ घूम लिया है मेरे हिसाब से, नहीं दिव्यांशु ने होमवर्क दिया एक्चुअली। क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, स्टडी अड्डा वाले बच्चों को बताऊं क्लास चल रही है, स्टडी अड्डा पे भी चल रही है ना, यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्लास चल रही है, ठीक है। तो नेशनल पार्क का मैंने आपको बता ही दिया, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू डू वन थिंग, आपको जैसे ही लेक्चर ओवर होता है 5 या 10 मिनट का कोई सा वीडियो देखना है नेशनल पार्क का, क्योंकि यहाँ पर वीडियो देखना आपको ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि हाउ गवर्नमेंट इज़ प्रोटेक्टिंग टाइगर राइनो एलिफेंट इन नेशनल पार्क, तो सरकार किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही वो देखने के लिए आपको एक बार वीडियो देखना पड़ेगा। तो सभी लोगों से आई रिक्वेस्ट यू कि आफ्टर फिनिशिंग ऑफ माई लेक्चर यू हैव टू वॉच 5 मिनट्स वीडियो ऑफ दिस नेशनल पार्क। अब द कंजर्वेशन ऑफ The conservation project are now focusing on biodiversity rather than a few of its components. अब थोड़ा सा बदलाव आ रहा है पिछले कुछ समय में भी, 1973 से सरकार ने क्या करा था कि टाइगर को प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया था, फिर सरकार को लगा कि यार जो जो जानवर कम हो रहे हैं या समाप्ति की ओर इनको भी प्रोटेक्ट करें, राइनो का नाम उसमें हो गया, ब्लैक बक का नाम उसमें हो गया, उसके अलावा स्टेक का नाम हो गया, एलिफेंट का हो गया। तो इस प्रकार 2014 तक आते आते बहुत जो लिस्ट थी वो काफ़ी लंबी हो गई। अब सरकार को लगा कि यार देयर आर वेरियस एलिफेंट्स वी आर प्रोटेक्टिंग देम, तो व्हाई वी आर टारगेटिंग अ सिंगल, भाई किसी एक पर्टिकुलर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम क्यों चलाए, क्यों ना सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए चलाएं। तो अब सरकार का जो मेन लक्ष्य है वो क्या है, सभी जानवरों को प्रोटेक्ट करना, भाई किसी एक नेशनल पार्क में जितने भी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं सभी को प्रोटेक्ट करना, और अगर ऐसे इकोसिस्टम में जो कम हो रहे हैं जिनकी संख्या घट रही है उनको भी नेशनल पार्क में सेटल कर देना। तो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बायोस्फीयर इसीलिए सेटअप किए गए हैं कि जितने भी प्रकार के प्राणी प्रजाति हमारे आसपास मौजूद है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क बायोस्फीयर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेटअप की जा रही है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, व्हाट आर दी मेन एम्स ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट बायोडायवर्सिटी इन इंडिया, तो देयर इज नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स, इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट आर बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। तो अब सरकार क्या कर रही है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चला रही है, उस प्रोग्राम में गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट से लेकर एनिमल तक स्पीसीज का पता कर रही है, कौन कौन से स्पीसीज हैं जो घट रहे हैं, जिनकी संख्या कम हो रही है, जो गायब होने के कगार पर है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार स्कीम चला रही है। तो अब जो सरकार का ओवरऑल प्लान है उसमें छोटे छोटे कीटाणु से लेकर बड़े से बड़ा जानवर तक आ गया, मतलब छोटे छोटे कीटाणु की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट, और बड़े से बड़े जानवर की बात करें तो धरती के ऊपर तो हाथी है तो उसको भी प्रोटेक्ट कर रही है सरकार। तो अभी आज के ज़माने में गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है कि जितने भी प्रकार के प्रजातियाँ हैं पर्यावरण में सभी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। चलिए, रोनी सिंह को आज फिर क्या कुछ मिर्गी का क्या बोलते हैं दौरा पड़ा है ना, क्या कुछ कमेंट कर रहा है,
ये ना ये रोनी सिंह को लेके जाना है नेशनल पार्क में, पकड़ के साले को वहीं छोड़ के आना है नेशनल पार्क में, इसको वापस नहीं लाना है। तो या तो ये प्रोटेक्ट होगा, ये टाइगर प्रोटेक्ट होगा, या फिर टाइगर प्रोटेक्ट होने के चक्कर में इसको कम कर देगा। ठीक है, नहीं देखना, ठीक है, चलिए। तो बेटा रोनी, तू राला मंडल के पहाड़ियों पे तुझे फेंक के आएंगे हम, तो शेर का शिकार बनेगा तेरा, मैगी बनाएंगे 2 मिनट में, रोनी की मैगी तैयार। तो इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980, अब ये क्या है वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980, ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1980। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे देखिएगा, एंड बाद में इसको बढ़ाकर चेंज करके 1986 कर दिया। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा क्या जाएगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट, अब ऑफ 1980 भी हो सकता है, ऑफ 1986 भी हो सकता है। तो अब इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको देखना है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ऑब्जेक्टिव है सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, मॉथ, बीटल्स एंड वन ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है कि इन 1980 और 1986 गवर्नमेंट एक्सटेंडेड देयर लिस्ट फ्रॉम अ स्पेशल एनिमल टू बायोडाइवर्सिटी। मतलब यहाँ पर सरकार का जो मेन ध्यान था, मुख्य जो ध्यान था वो कहाँ पर था, अलग अलग प्रकार के प्राणी या जीवों को संरक्षित करने पर। मतलब इससे पहले सरकार क्या कर रही थी, किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज पे ध्यान रख रही थी, यार इसको प्रोटेक्ट करना है, ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क है, वी हैव टू प्रोटेक्ट हियर एलिफेंट, यार ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क है, वी हैव टू प्रोटेक्ट टाइगर हियर। बट इन 1980 और इन 1986 गवर्नमेंट चेंज दियर मेथड एंड दे स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीसीज। सरकार ने अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलिए याद रखिएगा 1980 और 1986। हाँ, तो बिंदु ध्यान रखिए, बिंदु रानी जी ध्यान दीजिए इधर, आगे क्या है, ये हो गया आपका आंसर। अब इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विथ 6 स्पीसीज। अब 1991 में इसमें और बदलाव हुआ, तो 1972 में गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाए। देखिए कुछ स्पेशल डेट है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कौन कौन सी डेट है। ठीक है, अशोक राव जी, अब आपका नाम अशोक राव है या पापा के नाम से आप आईडी चला रहे हैं, आई डोंट नो, अगर आपका नाम कुछ और है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मुझे याद रहेगा अशोक राव जी। देखिए सबसे पहले अपने को कौन सी डेट याद रखनी है, हाईलाइटर पे जाओ, येलो पे जाओ, नहीं दिखेगा। देखिए पहला है 1972, फिर 1973, फिर 2005, 2011, 1980, 1986 और 1991। ये कुछ डेट है जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले 1972 में क्या हुआ था भैया, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। कौन सा आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आप इसको फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो 1972 के पहले सरकार किसी भी प्रकार के प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं चला रही थी, किसी भी प्रकार के प्राणियों को, पेड़ पौधों को संरक्षित नहीं करती थी। पर 1972 में सरकार का ध्यान पहली बार गया कि नहीं यार, हमें जंगल और जंगल में मिलने वाले प्राणियों को संरक्षित करना है, वी हैव टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ, या वी हैव टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो 1972 इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1973 में क्या करा सरकार ने, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम चलाया, टाइगर को। मतलब इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार दुनिया में किसी जानवर को संरक्षित करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा प्रोग्राम चलाया गया था, और ना कि सरकार के द्वारा, सरकार ने बाकी लोगों से मिलकर सभी लोगों को अवेयर करके ओवरऑल पॉलिसी बनाई जिसमें टाइगर को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, हंटिंग और पोचिंग पूरी तरीके से बैन होगी। ठीक है, 2005 का अगर आप देखें तो राइनो वाला, ठीक है, राइनो से रिलेटेड कि राइनो प्रोटेक्शन एक्ट। अब राइनो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट इन फॉरेस्ट लाइफ, अगर आप हाथी के बारे में आपने सुना होगा, हाथी को आपने देखा भी होगा, टाइगर भी एक इम्पोर्टेंट प्राणी है, राइनो लेस इंपॉर्टेंट है, कहीं मिलता है कहीं नहीं पाया जाता है। पर 2005 में सरकार को लगा नहीं कि यार ये यूनिक एनिमल है, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो बस उसके लिए प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। 2011 में क्या है कि राइनो का ही जो प्रोजेक्ट था उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया, फेरबदल किया गया, और जिस प्रकार पहले नेशनल पार्क में एलिफेंट और टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता उसी प्रकार राइनो को करने लग गए। अब 1980 और 1986 में क्या हुआ,
कि यार यहाँ तक आते आते कुछ ही जानवरों को प्रोटेक्ट किया जा रहा था, जैसे गिनती के नाम, ब्लैक बक हो गया या स्टेग हो गया या एलिफेंट हो गया या टाइगर हो गया या राइनो हो गया। पर 1980 और 1986 में गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, हमें तो जो भी अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं जिनकी संख्या घट रही है, जो खतरे में है, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो वेरियस एनिमल हैव बीन एडेड इन दिस लिस्ट, उनको जोड़ दिया गया, एडेड इन दिस लिस्ट। तो यहाँ पर सभी प्रकार के जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने स्ट्रेटेजी बनाई, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा कुछ भी हो, अगर उसकी संख्या घट रही तो उसको प्रोटेक्ट करना है। और 1991 में सरकार ने क्या करा, 1991 में इसको और बढ़ा दिया, और 1991 में जो जंगल में पेड़ पौधे या किसी प्रकार की प्रजाति है जो काफ़ी कम समय में ही गायब हो गई है, जैसे हिमालय यू या और भी कोई पौधा है जो कम हो रहा है या खत्म हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी सरकार ने पॉलिसी बनाई। तो ये डेट याद रखिएगा, डेट भूलिएगा मत अभय सोलंकी जी, हो सकता है एक बार अपनी जन्म तारीख आप भूल जाएं, पर ये मत भूलिएगा। सर अगर कहीं पूछा जाए कि राइनो प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ है तो 2005 लिखेंगे या फिर 2011, 2005, 2005 के बाद में 2011 में उसमें बदलाव हुआ, 2005 ही लिखिएगा, ठीक है। वैसे तो 1989 में सरकार इसके कोशिश कर रही थी, पर इसको लीगल वे में कब मान्य किया गया, 2005 में। हाँ 2005, अर्णव कुशवाहा जी, दो यही प्रश्न बाकी बच्चों का, 2005 लिखेगा, ठीक है, है ना। अशोक राव जी, मैंने आपसे अपना नाम पूछा है आपका, आप अपना नाम बताएं, मुझे डाउट है कि ये आपका ही नाम है, कि आपका नाम है या आपके पापा का है। अगर आपका नाम है तो आप कमेंट में अशोक राव लिखें, अगर पापा का नाम है तो फिर आप अपना नाम लिखें, ठीक है, ठीक है। बिंदु जी, हो गया डाउट क्लियर। अभय सोलंकी, भोपाल में कितने एनिमल है, भोपाल आप जाइए, छोटा ही नेशनल पार्क है, पर आपको टाइगर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जानवर आपको देखने को मिलेंगे। मैं 2 या 3 साल पहले गया था, पर हाँ अच्छा, अच्छी जगह थी, अच्छी लोकेशन थी, ठीक है। क्रिस गर्ग सर, आई सो विजिटेड, क्रिस गर्ग गया है भैया, वाह यार क्रिस, तेरा नाम ही क्रिस है तो तू तो दुनिया घूम लिया होगा, तू तो हमारी इंडियन मूवी का पहला सुपर स्टार, क्या बोलते, सुपर हीरो था। मैंने 3 बार देखी थी क्रिस भैया, कोई मिल गया तो नहीं देखी थी, पर क्रिस 3 बार देखी थी, और क्रिस 3 देख कर खूब रोया था मैं कि इसको कहाँ देखने आ गया यार, ठीक है। देवांश भी गया है, अरे कहीं कोई समस्या नहीं, आप YouTube पर कमेंट लिखें या स्टडी अड्डा पे लिखें, सारी कमेंट आप देख लेंगे, है ना, आपकी सारी कमेंट हम देख लेंगे। चले ये लो, भूमिका का डाउट ही सोल्व हो गया और भूमिका निकल ही ली, क्या बात है, क्या बात है भैया, पूरा लेक्चर होने तक आपको यहीं रुकना है भूमिका जी। हाँ हो सकता है आप कमेंट सेक्शन में एक्टिव ना रहें, पर वीडियो आपको देखना है, ठीक है। चलिए बड़े आ गए आप, यहाँ तक हो गया, आपको डेट याद रखनी है। अब कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एंड द लोकेशन ऑन द मैप ऑफ इंडिया। तो नेशनल पार्क कितने हैं आपको बता ही चुका हूँ, आप लोगों ने होमवर्क किया है तो उसमें आपको याद है कितने नेशनल पार्क हैं और कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अब देखिए, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो पहले हम जंगलों के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर देयर, फिर उसके बाद हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पार्क होता क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है और बायोस्फीयर क्या होता है, इनमें अंतर क्या है, ठीक है। तो पहले जंगल कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ लेते हैं हम शॉर्टकट में, फिर नेशनल पार्क कैसे अलग है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस प्रकार से अलग है बायोस्फीयर से, ये तीनों चीज़ें हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आता है, खासकर एक प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आपको एग्जाम में, और वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक। अगर आपको आता है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं आता है तो जानने के लिए स्टे ट्यून विथ अस, हमारे साथ बने रहिए। उफ़ हिंदुस्तान सर, मेरा नाम भी याद कर लीजिए, वैष्णवी आप भूल जाते हो, हाँ हाँ ठीक है वैष्णवी जी, अब मैं याद रखूँगा, है ना वैष्णवी जी। तो आप वैसे तो अगर आप यूज़र आईडी में ही वैष्णवी करते ज़्यादा अच्छा है, पर कोई बात नहीं, है ना, स्टे ट्यून्ड। हाँ रोनी, रोको तो भैया रोनो, सबको कसम दो, कोई नहीं जाएगा छोड़ के वीडियो, वो भूमिका जा रही उसका डाउट दूर हो गया, तो उसको कसम दो, किसी न किसी कसम दो, तुम्हारी कसम दे दो या उसकी खुद की कसम दो, पर दो। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इवन इफ वी वॉन्ट टू कंजर्व आर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इट इज़ रेदर डिफिकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। अगर हम इंडिया के जंगलों की बात करें तो देखिए, पहली बात तो भारत ही काफ़ी विशाल देश है और यहाँ पर जंगल अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, वास्ट एरिया इज कवर्ड बाय दी फॉरेस्ट। तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर अस टू मेंटेन ऑल दी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉरेस्ट, द फर्स्ट थिंग इज दैट। द सेकेंड, टू डू रिसर्च। अगर आपको बोला जाए कि जाओ भैया जंगल में जाओ, पता करो कि कितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो आपकी बत्तियाँ गुल हो जाएगी। तो यही काम सरकार के अधिकारी लोग भी करते हैं, वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रकार के प्राणी हैं जंगलों में। अब सोचिए कि आज आप घूमने गए तो आपको कोई जानवर दिख गया, ठीक है, तो आपने उसको लिस्ट में नाम डाल लिया,
अब किसी दिन आप विजिट करने गए जंगल में तो आपको कुछ जानवर दिखे ही नहीं, गायब हो गए। तो शेर वेर तो बहुत नसीब वालों को दिखता है, और उनसे भी ज़्यादा नसीब वाले वो होते हैं जिनको नहीं दिखता है, क्योंकि दिखने के बाद आप नहीं दिखोगे, इससे अच्छा शेर आपको नहीं दिखे। तो बहुत सारे जानवर नहीं दिखते हैं, तो वो कैसे पता लगाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जा रहे हैं? और ये कैसे पता लगाया जाएगा कि आज जो जानवर पाए जा रहे हैं कल वो नहीं पाए जाएंगे, या उनकी संख्या घट रही है, उनका हंटिंग पोचिंग हो रहा है? तो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, मतलब बहुत मुश्किल काम है। इतने बड़े देश में पहले तो ये पता लगाना कि कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका कितना प्रतिशत है, और दूसरा उनमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, काफ़ी मुश्किल काम है। ठीक है, मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं ये तो पता नहीं चल पाता है इंडिया में। ठीक है, जनसंख्या हम गिन रहे हैं 121 करोड़, और अगर आप सही तरीके से पता लगाओगे तो 130-135 करोड़ पर पहुंच जाओगे। लोग जनसंख्या बताते ही नहीं कि कौन कितने हैं, किसके कितने बच्चे हैं, और बहुत बार तो जो बड़े परिवार वाले रहते हैं वही भूल जाते हैं कि अपने घर में कितने सदस्य हैं। तो काफ़ी मुश्किल भरा काम है। तो आप जंगलों के बारे में तो रहने दीजिए। खैर, इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन्ड और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो अपने इंडिया में जंगलों से संबंधित जो भी सारा कामकाज देखा जाता है वो सरकार का एक डिपार्टमेंट है, जिसको क्या कहते हैं, क्या नाम है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसको कहा जाता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो अगर जंगलों से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आप तक को प्राप्त करनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो यही जब आप लोगों ने ना सर्च किया नेट पे, यू आर जस्ट सर्चिंग दी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो आपने बहुत सारी साइट विजिट की होगी। खासकर बच्चों को इंसाइक्लोपीडिया बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया के अलावा और भी साइट है, पर आपको जाना था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट पे, क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा वही सही जानकारी है, बाकी तो कुछ भी उठा के रख लेंगे। आप जब भी कोई चीज़ हम सर्च करते हैं ना तो करीबन 10 से 15 साइट हमको दिखाई देती है गूगल पे, तो बस हमको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना रहता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि टाइगर है तो मतलब है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला टाइगर नहीं है तो नहीं है, एक था टाइगर कि टाइगर जिंदा है, ये कौन डिसाइड करेगा, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। पर अपने इंडिया में कौन डिसाइड कर रहा है, यशराज बैनर है ना, पहले लेके आए कि एक था टाइगर, ठीक है, टाइगर से मतलब खूब मारपीट करवा ली, फिर टाइगर जिंदा है लेके आ गए। हालांकि वो दोनों ही फिल्में अच्छी थी, ना जाने कैसे अच्छी बन गई, और ना सलमान खान पिछले कुछ समय से कोशिश कर रहे हैं कि खराब फिल्में ही बनाए। अब एक और लेकर आ रहे हैं टाइगर 3, शायद इमरान हाशमी उसमें विलेन है, देखते हैं, क्योंकि ये आखिरी फिल्म है। टाइगर की सीरीज अच्छी थी तो आखिरी देख लेंगे, राधे जैसी मास्टरपीस ही निकली तो हाथ जोड़ लेंगे, टॉकीज में पैर छुके आ जाएंगे कि प्रभु आज के बाद आपकी फिल्में देखने नहीं आएंगे। तो द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज ऑफिशियल डिपार्टमेंट टू गिव अस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉरेस्ट, एंड इन इंडिया गवर्नमेंट कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड सम प्राइवेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगलों को कितने कैटेगरी में बांटा है, कितने भागों में बांटा है, भैया आपके हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि रोनी घर बैठे बैठे बता देगी यार ये मेरा पेड़, ये मामा का पेड़, ये फूफा जी का पेड़, तीन प्रकार के जंगल, मेरा, मामा का और फूफा का, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि आप है ना, एक डिपार्टमेंट है जो हमें सजेस्ट कर रहा है कि इतने प्रकार के जंगल है, तो बस उतने प्रकार के ही जंगल होंगे। ध्यान रखिएगा, आप कोई रेफरेंस में मत जाइएगा, आप किसी और चीज़ में मत जाइएगा, जो बुक ने कहा है, जो डिपार्टमेंट ने कहा है, वही हमको मानना है। ठीक है, हाँ, अर्नब कुशवा पता निकाल रहा है, बेटा तू शादीराम घर जोड़े है क्या, तो पूछ रहा है कि तुम एमपी के हो क्या, तुम्हारी गोत्र क्या है, तो तुम्हारा क्या है, है ना, सभी लोग एमपी पहले, और पहली बात तो तू बांट रहा है भारतीयों को, क्यों रे, मतलब तू ये नहीं पूछ रहा कि हम इंडियन है नहीं है, तू एमपी यूपी कर रहा है, ये गलत बात है। वो चक दे इंडिया में एक बहुत अच्छा डायलॉग है शाहरुख खान का, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो जब टीम का सिलेक्शन करता है तो वो खिलाड़ियों से पूछता है तुम कहाँ से, तो कोई बोलता है हरियाणा से, कोई बोलता है यूपी से, कोई बोलता है पंजाब से, एक ही लड़की रहती है उसमें जिसको कप्तान बनाता है, और वो बोलती है मैं इंडिया से हूँ, तो फिर बोलता है इन, और बाकी को बोलता है आउट आउट आउट, तो वो वाली चीज़ कर रहे हो बेटा, तुम देश को बांट रहे हो। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर देयर, देखिए पहला है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है अशोक भाई, अच्छा अभिषेक राव नाम है तेरा, अरे बेटा जब ही नाम छुपा रहा तू अभिषेक बच्चन से है ना परेशान है, अभिषेक राव गया बेटा है ना, इतना खराब नाम है तेरा, बदल ले आज ही। मैं इंडिया से हूँ बेटा, किलर रानी, मैं इंडिया से हूँ, अब तुम किलर रानी हो कि किलर राना हो क्या पता भगवान जाने, तो मैं तो इंडिया से हूँ, आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, ठीक है बाकी सब इंडिया में ही है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, ये याद रखना, ये आईएमपी है, हाँ ये आईएमपी है, बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। बेटा रोनी तेरे पास अगर बुक हो तो कैंची से काट लेता है इतना, ठीक है जब भी एग्जाम हो तो इसको पेंट में फंसा के ले जाइयो, या फिर सैंडल के नीचे दबा के ले जाइयो, या कान में है ना वो एक पतली सी गठरी बना के डाल लेना कि सर कान में है ना क्या है, कान बहता है इसलिए इसको रोकने के लिए, और जैसे ही मौका मिले तो ये बाथरूम में जाने के बाद खोल के पढ़ लेना। तो कैंची से काट तो इसको, पापा की डैडी बनाने वाली कैंची निकाल बाहर, और आराम से इसको काट के रख ले, शायद एग्जाम के टाइम पे तू भूल जाए। ठीक है जल्दी से जल्दी करो, ये वेरी वेरी आईएमपी। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि करीबन भारत में पाए जाने वाले
जंगलों में से 50% जो है वो क्या है, रिजर्वड है। मतलब सरकार ने उनको क्या डिक्लेयर कर रखा है, रिजर्वड फॉरेस्ट। अब रिजर्व का मतलब क्या होता है, तो रिजर्वड फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। तो रिजर्वड फॉरेस्ट वो होते हैं जिनको रिजर्व करके चलती है सरकार। सरकार पहले से डिक्लेयर कर देती है कि रिजर्व है, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोई इलीगल तरीके से वहां से पेड़ पौधे काटता है तो उसको पनिशमेंट रहती है। मतलब यहां पर किसी का अधिकार नहीं है, यहां पर सिर्फ सरकार का अधिकार है, सेंटर गवर्नमेंट का अधिकार है। और ये जंगल अपने इंडिया में पाए जाने वाले जंगलों का कितना प्रतिशत है, 50%। ठीक है, चलिए। हाँ अभिषेक जी, क्या आपका नाम पता चला ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका नाम तो काफ़ी डुबा हुआ है यार। क्या बात है फरदीन नागौरी जी, बहुत बढ़िया। अब इंडिया से होने के बाद में इंडियन भी है, बस इसी बात पे तुम्हें पानी पत्ता से खाने के बाद में जो एक पपड़ी फ्री मिलती है ना, वो मेरी तरफ से। ठीक है, तो जब भी पानी पत्ता से खाने जाओ, पानी पत्ता से वाले भैया को बोलना भैया एक फ्री की पपड़ी देना, वो दे देगा तुम्हें, तो समझ लेना वो मेरी तरफ से। तो पहला रिजर्व्ड फॉरेस्ट हो गया। रिजर्व्ड फॉरेस्ट मतलब विच आर रिजर्व्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दीज आर 50% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नो वन इज अलाउड टू टेक द वुड फ्रॉम दिस। बेटा एलिफेंट एक्ट कब हुआ, एलिफेंट एक्ट दिया है बच्चों ने, होमवर्क किया तुम्हारे ऊपर ही किया है, कमेंट सेक्शन में देखो। और एलिफेंट ही नहीं, राइनो और टाइगर भी देखो, ठीक है, तीनों की डेट बताई गई है। स्टार्टिंग में बच्चों ने काफ़ी होमवर्क किया है उनका, देखो चेक करो। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि होमवर्क अगर आप करोगे तो आपको जानकारी प्राप्त होगी, अगर आपने नहीं किया है तो दूसरे बच्चों ने किया है, उनके कमेंट पढ़िए आप, अपने आप पता चल जाएगा। है ना, हाँ लड़कियों का हक है ना, भूमिका शर्मा बेटा है ना, तुम लड़कियाँ है ना बाज नहीं आती, तुम है ना 10 रुपये के पानी पत्ता से खाती हो और 20 रुपये की पपड़ी खा के आती हो और बोलती हो हमारा हक है। और है ना पानी पत्ता से वाला करता भी क्या है, अगर लड़का मांगेगा ना पपड़ी तो उसके तरफ मुंह बनाया, क्यों तेरा बाप रख के गया था पपड़ी यहाँ पर, क्या एक पपड़ी देने के बाद दूसरी पपड़ी मांगो तो ऐसे लगता है मर्डर कर देगा वो। लड़कियाँ है ना पपड़ी में लकड़ियाँ सॉरी लड़कियाँ है ना पपड़ी में पपड़ी मांगती आती, वो मना नहीं करता, हाँ बहन जी लीजिए ना और लीजिए और लीजिए, तो पता चला 10 रुपये की तो ये पानी पत्ता से खाने गए और 20 रुपये की पपड़ी खा के आ जाती है और पानी पत्ता से वाला मना भी नहीं करता है, देखा है मैंने। और लड़कियों का ऐसा है कि पानी पत्ता से खाने जाओ ना, अब तो 60% से लेकर 70% लड़कियां पहले ही खड़ी रहती है और बेचारे 30% लड़के रहते हैं जो संघर्ष करके पानी पत्ता से खा कर आते हैं। चलिए है ना, एलिफेंट एक्ट हो गया, अब ये हो गया रिजर्व्ड फॉरेस्ट, अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। भैया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशंस। अब देखिए रिजर्व्ड कितने थे ओवरऑल फॉरेस्ट के, 50% फ्रॉम 100% में से। ठीक है, यहाँ पर कितने परसेंट है, 33%, कितने में से 100 में से, मतलब कुल मिला के 50 + 33 तो कितने हो गए, 83% जो फॉरेस्ट हैं वो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड है। अब रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड में क्या अंतर है भैया, तो प्रोटेक्टेड वो फॉरेस्ट है जिनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है और गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि इनको घटने ना दिया जाए, फिर भी अगर सरकार को कहीं ज़रूरत लगती है लकड़ी की तो पेड़ पौधों को काटा जाता है, पर इस तरीके से काटा जाता है कि वो वापस फूट जाए, उनमें वापस टहनी आ जाए, और अगर किसी पेड़ को काटा गया है मजबूरी में तो वहाँ पर वापस एक पेड़ प्लांट किया जाता है। तो ये प्रोटेक्टेड है, ज़रूरत आने पर इनमें कटाई छटाई हो सकती है, यहाँ से लकड़ियाँ ली जा सकती है, यहाँ पर से रॉ मटेरियल्स लिया जा सकता है, इसको सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों प्रोटेक्ट करती है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, 33। उसके अलावा रिजर्व्ड फॉरेस्ट का कितना परसेंट था, 50। यहां से ना तो लकड़ी काटी जाएगी, ना ही किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाएगा और ना ही किसी प्रकार का रॉ मटेरियल्स यहां से लिया जाएगा। रिजर्व्ड मतलब टोटल रिजर्व, प्रोटेक्टेड मतलब जिसको आपको प्रोटेक्ट करके चलना है। जैसे बेस्ट एग्जांपल बच्चों के पास होता है ना पॉकेट मनी, तो पॉकेट मनी में जैसे किसी बच्चे को जैसे अभिषेक राव को दे दिए 150 रुपये घर वालों ने, ठीक है 150 रुपये में से 100 रुपये तो क्या कंपास में फंसा के रखेगा ताकि कोई देख नहीं पाए, तो वो तो हो गया रिजर्व, कोई देखेगा ही नहीं तो कोई लेगा ही नहीं, बाकी बच्चे 50 रुपये इसने जेब में रख लिए। ठीक है, आप कहीं मान लो वही पानी पत्ता से खाने गए दोस्तों के साथ में, तो ये कोशिश करेगा कि यार अपने 50 रुपये बच जाए, तू दे तुझे इसकी कसम तू दे, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है 50 रुपये को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बच जाए तो बच जाए, तो ये प्रोटेक्टेड है। वो रिजर्व तो मतलब अलग रखें, उनको तो कोई नुकसान ही नहीं, उनको तो कोई खतरा ही नहीं, कंपास में रखें जब पता ही नहीं तो क्या कैसे पता चलेगा सामने वाले को कि इसके पास 100 रुपये, तो बस वो 100 को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब बाय मिस्टेक किसी के पास पैसे नहीं, इसको पैसे देने पड़ गए तो फिर ये क्या करेगा, 50 में 10 या 15 रुपये जो भी खर्चे हुए दे दिए, फिर वापस 10-15 रुपये उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करेगा यहाँ वहाँ से मार के ताकि वापस 50 रुपये हो जाए। तो मतलब सरकार के पास 33% है, अगर सरकार को जरूरत पड़ी तो 1 या 2% कम हो गए तो वापस सरकार क्या करेगी, 1 या 2% बढ़ाकर कहाँ पर लाएगी, 33% में, मतलब इसको 33% ही
रखना है, तो ये प्रोटेक्टेड है, मतलब इनको सरकार प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और रिजर्व पूरी तरीके से रिजर्व है, यहाँ पर किसी प्रकार का ध्यान ही नहीं देना, नजर ही नहीं दौड़ानी। ठीक, हाँ बेटा प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है, पानीपता से, पानीपता से मेरे फेवरेट है। ठीक है, तो पानीपता से वाला अगर जो एमएलए का या एमपी का चुनाव लड़ जाए ना, तो मेरा वोट उसी को जाएगा, क्योंकि बंदा है ना फ्री की पपड़ी खिलाता है। दो सरकार भी जो वादे करती है वो समय पे पूरा नहीं करती, पर वो तो पपड़ी खिलाते ही खिलाता है, और पानीपता से क्या बेस्ट बनाता है, तो पानीपता से सबके फेवरेट है भैया, लॉकडाउन खुले वहीं मिलेंगे। दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। भाई आखिरी में अनक्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड भाई जिनको ना तो क्लासिफाई किया है, अब ये कहीं किसी के खेत के किनारे हो सकते हैं, रोड के किनारे हो सकते हैं, तो जहाँ पर सरकारी भूमि में उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, उनको क्या कहेंगे, वो गवर्नमेंट फॉरेस्ट हो गए, और जो किसी किसान के या किसी की ज़मीन पर उगे हैं पेड़ पौधे जंगल टाइप, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे प्राइवेट कहा जाएगा, तो ये अनक्लासिफाइड है। तो ये कितने परसेंट हो गए, अपने आप समझ में आ गया होगा आपको परसेंट, भाई बाकी के जो बचे हैं वो अनक्लासिफाइड है, इन्हों किसी प्रकार का कोई नाम वाम नहीं दिया गया कि ये रिजर्व्ड है या प्रोटेक्टेड है, तो ये तीन प्रकार के फॉरेस्ट है, ध्यान रखेगा। टाइम हमारा हो गया है लगभग, तो बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर देयर, कुछ एक्ट के बारे में हमने पढ़ा। अब ठीक है, कल हो जाएगा कंप्लीट मेरे हिसाब से, चैप्टर भी काफी बड़े बड़े हैं आपके इसमें यार, टेंथ क्लास में है ना, टेंथ क्लास वाले बच्चों को ट्वेल्थ वाला पढ़ा रहे हैं। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, यहां पर एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। चलो स्लाइड ही अटक गई, स्लाइड ही नहीं चल रही है। तो बस आज तक के लिए अपना साथ यहीं पर था। ठीक है, फिर मिलते हैं, अगर पानीपता से मिल गए हैं तो पानीपता से खाने के बाद में मिलेंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो बाद में कभी खाएंगे। होमवर्क आपके लिए है, अब एक काम करिए, आप एक होमवर्क में दे देता हूँ आपको, कोई से तीन अंतर ढूंढने हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ में, है ना, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एनी थ्री। ठीक है प्रज्ञा जी, बिंदु कुशवाहा जी, भैया रोनी, अभिषेक, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, है ना, एक आर्यजीत भी था ना जाने कहाँ निकल गया वो, अंकित का स्टेटस देखा मैंने कल व्हाट्सअप पे, ठीक है, अंकित यादव को व्हाट्सअप पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, ध्यान नहीं है, ये लिख रहा है कि मेरी शादी फिक्स हो गई, तो बेटा अंकित अभी तो टेंथ क्लास में हो रहे, तुम्हारी उम्र ही नहीं हुई, मतलब अब सरकार ने अगर पकड़ लिया तो 10 डंडे ज़्यादा मारेगी बेटा, अभी उम्र ही नहीं तुम्हारी, तुम्हें घोड़ा तो घोड़ा गधे पे भी नहीं बैठाया जाएगा, तुम्हारे पाँव नहीं पहुँचेंगे, अभी कैसे शादी हो गई यार। ठीक है, सभी लोगों को होमवर्क मिल चुका है, कंप्लीट करिए होमवर्क, कुछ डाउट है क्या स्टडी अड्डा पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हाँ ठीक है, भूमिका शर्मा जी क्या बात है, भूमिका बहुत इंटेलिजेंट है यार, मतलब ये है ना इंडिया की निवासी लगती नहीं मुझे, ये अमेरिका की होनी चाहिए, इतना अच्छा दिमाग कैसे चला लेती है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है ना, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है 50%। होमवर्क समझ में आ गया। अबरार गजधीर जी, इधर कुछ डाउट है क्या आपको, कविंद्र कुछ डाउट नहीं है, नाम बड़ा प्यारा है कविंद्र तुम्हारा। आयुषी पांडे जी ठीक है, क्या बात है, पांडे जी यूपी से होंगे, मैं मुझे मन मत मिस करियो, मैं जिंदा हूँ बेटा, मुझे मिस मत कर, ज़्यादा मिस कर रहा था, 12 बजे वापस मैं लाइव आऊँगा रोनी, तो मिस मत कर, तो क्लास ज्वाइन कर, 12 बजे फिर क्लास है 9th क्लास की, तुझे NTSC का पढ़ा देते हैं, चलिए ठीक है भाई।